गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नतिशा गणेश वसनेत है और मैं यत्ता कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंटोनमेंट बोर्ड जूनियर कॉलेज है और मैं इस स्कूल में यत्ता 7वीं से पढ़ते आ रही हूँ। और 7वीं और 8वीं में मुझे जैसे कि मल्टी स्किल विषय नहीं था, तो मल्टी स्किल का विषय मुझे जब मैं यत्ता 9वीं में आई तब मुझे मल्टी स्किल विषय सीखने को मिला। और 9वीं में मैंने जैसे कि क्षेत्रीय अन्न प्रक्रिया और ऊर्जा पर्यावरण ये सब सीखा। और 9वीं से लेकर 12वीं तक मुझे इलेक्ट्रिक ज़्यादा सीखने को मिला। हालांकि मुझे 9वीं में इलेक्ट्रिक विषय थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता था, तो मैंने 10वीं में इलेक्ट्रिक के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की कि मुझे इलेक्ट्रिक विषय आए और कैसे किया। और जब मैं 11वीं में आई तब मुझे पूरी तरह से जानकारी मिल गई कि इलेक्ट्रिक विषय क्या होता है और किसे कहते हैं। और जब मैं अभी 12वीं में हूँ तो 12वीं में मुझे अभी इलेक्ट्रिक विषय पूरी तरह से समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक विषय कैसे करते हैं, क्या होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि 12th में आके अभी लॉकडाउन चालू है, जैसे कि बाहर कोरोना है, जा नहीं सकते, बाहर से कुछ सामान ला नहीं सकते, डर लगा रहता है। तो मेरे घर में भी जैसे कि मुझे एक बार मैं लॉकडाउन में मतलब ऐसे ऑनलाइन क्लास पढ़ रही थी तो अचानक से सर का कॉल आया। सर ने कहा कि आपको इंटर्नशिप करना है मल्टी स्किल का। तो मैं पहले नर्वस हो गई थी कि सर से कैसे बोलूं कि इंटर्नशिप क्या होता है। मुझे डर लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि इंटर्नशिप क्या करते, कैसे करते। तो मैंने सर से पूछा, सर इंटर्नशिप क्या होता है और उसे कैसे करते घर पे। तो सर ने मुझे सजेशन भी दिया। सर ने कहा कि घर में कुछ भी फैन, मिक्सर, LED कुछ भी ख़राब हो तो आप उसे ठीक कर सकते हो और उसकी फ़ोटो आप ग्रुप पे भेज सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं करूँगी। तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इंटर्नशिप करने का सामान कहाँ से लाऊँ, ना ही मेरे पास घर में कुछ था, ना ही स्क्रू ड्राइवर वगैरह थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने मल्टी स्किल का सामान, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने मेरी दोस्त श्रद्धा से हेल्प ली। वो मेरे पड़ोस में ही रहती है इधर, तो मैंने उससे हेल्प ली। नज़दीक है, बाहर जाने नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने उससे हेल्प ले ली। और उसके पापा ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन है तो उनके पास तो ऑब्वियसली सारे चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। मुझे लगा कि उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। इलेक्ट्रिक के सारे सामान थे उनके पास, तो मैंने ज़्यादा नहीं मांगे, टूल्स वगैरह जितने मुझे लगते थे मैंने उनसे वो हेल्प ली। और उनके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की लॉकडाउन के टाइम में भी। और मैंने घर में एक सबसे मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था मेरा रूम हीटर। मैंने रूम हीटर को देखा, वो कम से कम 4 से 5 साल पुराना था। उसे मैंने खोल के देखा कि उसके अंदर पूरी जंग लग चुकी थी और उसके वायर ख़राब हो चुके थे। तो हम सोच रहे थे कि भंगार में फेंक दे, पर मैंने कहा कि नहीं, भंगार में बेचने से अच्छा हमने इतने बड़ी कीमत में लेके आए थे तो अभी इसे भंगार में क्यों भेजे, घर में भी ठीक किया जा सकता है, बिना दुकान में लिए जाए मैं घर पर करूँगी। तो मेरे मॉम डैड ने कहा कि ठीक है तुम कर सो, घर पे करो, कैसे करते हो हम भी देखते हैं। तो मैंने उनसे मतलब कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी। तो मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें वायर बहुत जंग लगी हुई थी और ऐसे वायर निकले हुए थे कनेक्शन से बहुत से। तो मैंने उन्हें रेड कलर की वायर और उसमें और ग्रीन कलर की वायर अलग अलग हुई थी, तो मैंने उन्हें कनेक्शन किया अच्छे से और उसका प्लग भी टूटा हुआ था, प्लग को न्यू लगाया। और प्लग लगाने के बाद जब वो ऑन हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ऑन हो गया और मैं खुश हो गई। और मैंने वो फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज दिया, मल्टी स्किल के ग्रुप में भेज दिया। सर ने कहा वेरी गुड, अच्छा है और आप आगे भी ऐसे करते जाओ। तो मुझे 20 दिन का इंटर्नशिप करना था, तो मैंने धीरे धीरे करते एक एक दिन मैंने इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप की जो भी समस्या थी मैंने बुक में लिखी। और मल्टी स्किल जैसे कि मैंने अभी इंटर्नशिप में ये वाला रूम हीटर, LED फैन और कैंडल्स और रूम रॉड, पानी गर्म करने वाला रॉड और
टीवी का सेट टॉप बॉक्स, उसमें भी वायर का प्रॉब्लम था वो भी मैंने किया, और मॉस्क्यूटो बैट और ये हेलगॉन लैम्प, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो मैंने घर पर ही रिपेयर की और मुझे इंटर्नशिप सीखने को भी मिला, और उसी बहाने मुझे आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। मैंने ये सीखा तो मुझे आगे फ्यूचर में भी काम आएगा कि मैं मल्टी स्किल के क्षेत्र में जा सकती हूँ, और मल्टी स्किल के क्षेत्र में तो जा सकती हूँ, और इलेक्ट्रिक का काम कर सकती हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैंने 20 दिन का इंटर्नशिप कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।